दोस्तों हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक फ़ोन है सैमसंग का E1200 मॉडल है। ये देखिए इसमें सिम कार्ड इंसर्ट आ रहा है, इंसर्ट सिम कार्ड आ रहा है, ठीक है। इसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे तो हम ये वीडियो में बताने वाले हैं फ्रेंड, स्टेप बाय स्टेप हमारे वीडियो पे बने रहे फ्रेंड। मैं दिखा दे रहा हूँ, इसमें आपको सिम भी लगा हुआ है, ठीक है, इंसर्ट सिम कार्ड आ रहा है, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए सिम कार्ड लगा हुआ है फ्रेंड, ठीक है। ये देखिए मॉडल नंबर आपका E1200 मॉडल है, E1200, ठीक है। इसको हम ओपन कर लेते हैं फ़ोन को, ठीक, ओपन करके देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है और क्यों आ रहा है। स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा, बिल्कुल चेक करके बताऊंगा फ्रेंड, ठीक है। तो हमारे वीडियो पे बने रहे फ्रेंड। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए हमने कंटिन्यूटी रेंज पे रखना है मल्टीमीटर को, ठीक है, बजर मोड जिसको बोला जाता है। बजर मोड पे हमें रखना है, ये देखिए बजर मोड पे हमने रख लिया, बीप कर आ रहा है, ठीक है। हमको चेक करना है सिम कार्ड का ट्रैक, ठीक है। ये देखिए हम सिम कार्ड का ट्रैक चेक कर लेते हैं, ये देखिए कहाँ से कहाँ होता है, क्या 6 पिन का, ठीक है। ये 6 पिन दिख रहा है हमें, ये देखिए सबसे पहले पे, ये देखिए सबसे पहले पे हमें इस पे बीप आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमें ये नॉट कनेक्टेड है, इसके नॉट कनेक्टेड कुछ नहीं आना चाहिए, ठीक है, NC। इसके बाद यहाँ रीडिंग आना चाहिए, ये देखिए जो कि आ रहा है फ्रेंड, ठीक है, जो कि आ रहा है बिल्कुल ओके है। उसके बाद फिर हम देख लेते हैं इसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। ये देखिए ठीक है, दिखाई दे रहा आपको मल्टीमीटर में, ठीक है। हमने यहाँ रखा, उसके बाद फिर इसको चेक किया, ये देखिए यहाँ भी रीडिंग आ रहा है ओके रीडिंग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी देख लीजिए ओके रीडिंग है। उसके बाद यहाँ देखते हैं वी सिम है, ये देखिए यहाँ शॉर्ट है फ्रेंड ये ट्रैक मेरा, ठीक है। 2 पे कभी ग्राउंड नहीं आना चाहिए इसमें, ये ग्राउंड है, इसके NC के बाद जो होता है वो ग्राउंड होता है, ये जो होता है वी सिम होता है, ग्राउंड के सामने जो होता है वी सिम होता है ये, ठीक है, वी सिम का ट्रैक शॉर्ट है। तो हम इसको चेक करेंगे कहाँ से कहाँ, स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊँगा फ्रेंड। तो हमारी वीडियो पर बने रहे फ्रेंड। अगर आप अगर आप मोबाइल रिपेयर सीख रहे हैं, आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे फ्रेंड, ठीक है। मैं दिखा दे रहा हूँ आपको ओपन करके कहाँ से कहाँ ट्रैक जा रहा है इसका। हमने ट्रेस किया इसको, मैं सोचा कि ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है इसलिए मैं भी एक वीडियो हम अपने सब्सक्राइबर के लिए बना देते हैं इसको, ठीक है। ये देखिए सबसे पहले ये देखिए यहाँ जो शॉर्ट आ रहा है, ठीक है, हमने यहाँ रखना है, सबसे पहले हमने यहाँ रखना है। यहाँ पे रखने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ चेक करना है, ये देखिए यहाँ बीप आ रहा है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड, यहाँ बीप आ रहा है, ये देखिए, ठीक है, और दोनों साइड बीप आ रहा है, ये देखिए दोनों साइड भी पा रहा है। अगर आपको जूम करके देखना है तो मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, एक मिनट, पूरा ट्रैक मैं दिखाऊंगा फ्रेंड बिल्कुल जूम करके आपको, जो कि आपको कभी दिक्कत ही नहीं आएगा इस प्रॉब्लम में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले फ्रेंड, आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप हमें सपोर्ट करें और हम ऐसी ऐसी वीडियो लाते रहे फ्रेंड आपके लिए, ठीक है। ये देखिए ये वाला देख रहे हैं कंपोनेंट आप, ये देखिए ये वाला कंपोनेंट शॉर्ट है मेरा, ठीक है। उसके बाद मैं दिखाता हूँ और कहाँ शॉर्ट है। 2 कंपोनेंट हमने चेक किया तो 2 कंपोनेंट हमें मिले हैं, ठीक है। ये देखिए आप यहाँ आ जाइए, इसके बाद ये देखिए ये जो कंपोनेंट आप देख रहे हैं, उसके बाद ये दोनों साइड से शॉर्ट है हमारा, ठीक है, ये देखिए शॉर्ट आ रहा है, फिर आ रहा शॉर्ट, देख लीजिए ये कंपोनेंट ये वाला है, ये वाला कंपोनेंट,
ये वाला कंपोनेंट शॉर्ट है हमारा, ठीक है, ये और ये देखिए, यहाँ से जो है सबसे पहले हमें करना क्या है कि इसको उखाड़ देना, ठीक है, इसको निकाल के चेक करना है मेरा शॉर्टिंग जाता है या नहीं जाता है, ठीक है। हम इसको सबसे पहले निकाल देते हैं, हमने इसको निकाल दिया, ठीक है, उसके बाद देखते हैं हमारा शॉर्टिंग गया कि नहीं गया, ठीक है। सबसे पहले जो सिम के पहले आता है ट्रैक में, सबसे पहले सिम में यहाँ ट्रैक आया ये, इससे इसके लिए हम पहले इसी को निकालेंगे, उसके बाद हम इसको, अगर नहीं जाता है शॉर्टिंग तो फिर इसको निकालेंगे, ठीक है। ये देखिए मैं चेक करा दे रहा हूँ, ये देखिए मेरा शॉर्टिंग अभी तक है, कंटिन्यू बना हुआ, तो हम करेंगे क्या, इसको निकालेंगे, ठीक है, इसको निकाल देते हैं ये वाला कंपोनेंट को, ठीक है, देखते हैं हमारा शॉर्टिंग जाता है या सेम प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। ये देखिए हम फिर चेक कर रहे हैं, ये देखिए फ्रेंड मैं देख रहा हूँ, ये देखिए फ्रेंड अभी भी शॉर्टिंग बना हुआ है फ्रेंड, अभी भी सेम इशू है, कोई प्रॉब्लम नहीं गया है इसमें से, तो हम आगे चेक करेंगे, ठीक है, फिर हम आगे चेक कर लेते हैं कहीं फिर से शॉर्टिंग तो नहीं है, ठीक है, कोई कंपोनेंट, ठीक है, एक एक करके चेक करना होगा हमें। मैं चेक कर लेता हूँ फ्रेंड और कहीं से आता है तो, ठीक है, ये देखिए हमने चेक कर लेता, कहीं ना कहीं तो इसका एक ट्रैक होगा, अगर नहीं होता, ये देखिए यहाँ से सीधा ये आईसी के साइड में जा रहा है, हमें ऐसा भी हो सकता है कि सीधा आईसी से शॉर्टिंग हो, ठीक है, क्योंकि ये आईसी में ही सिम जो आईसी होता है ये इसी के अंदर होता है फ्रेंड, ठीक है। मैं चेक कर लेता हूँ कहीं अगर मिल जाए तो, ठीक है, अगर नहीं मिलता है फ्रेंड बाहर में, हमें तो नहीं लगता है कि मिल पाए, क्योंकि ये ट्रैक सीधा गया है इसी में, यहाँ साइड में है, अगर कोई कंपोनेंट वगैरह मिल जाता है फ्रेंड कहीं तो हो सकता है शॉर्टिंग हट जाए, अगर नहीं हटता है तो आईसी ही चेंज करना होगा फ्रेंड इस कंडीशन में। तो फ्रेंड अगर एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ फ्रेंड, ये देखिए कहीं दिखा नहीं रहा है कि इसका ट्रैक कहीं शॉर्टिंग ऐसा कुछ नहीं दिखा रहा है, बट चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट शॉर्टिंग नहीं है फ्रेंड अब तो किसी में, वैसे आईसी ही शॉर्ट हो सकता है इस कंडीशन में फ्रेंड। फ्रेंड तो हमारे वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद। तो ये देख रहे हैं आप, ये सीधा यहाँ से कंपोनेंट सीधा यहीं गया अंदर को, ठीक है, तो ये आईसी का शॉर्टिंग है, ठीक है, ये शायद नहीं हटे। अगर फ्रेंड आपको कभी सिम इंसर्ट का प्रॉब्लम आता है, ये ओपन रहता है, तो आप यहाँ से जंपर मार सकते हैं, जो मैंने कंपोनेंट निकाला है यहाँ से, अगर वहाँ से भी नहीं होता है तो आप यहाँ से जंपर मार सकते हैं, जो यहाँ कंपोनेंट हमने निकाला है, अगर ओपन आता है इस कंडीशन, अगर शॉर्ट रहता है तो आप इसको निकालिए, इसको निकालिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अगर नहीं सॉल्व होता है तो फ्रेंड फिर आईसी ही रिवॉल्व करना होगा फ्रेंड। तो हमारे वीडियो पर बने रहने के धन्यवाद, आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब को कर सकते हैं, थैंक यू सर फ्रेंड, हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।